एक दारू की दुकान किसी ने डाल दी है और उसको भी पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं आबकारी विभाग में, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि आप दारू की दुकान, भले आपको राजस्व की जरूरत है सरकार को, लेकिन आप कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। आज हम वार्ड 29 के नेहरू नगर कॉलोनी में गोविंद नगर मार्ग जो जाता है वहाँ पर दारू के ठेके के संबंध में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। और दूसरा, हमारे ही वार्ड में शिव दर्शन कॉलोनी और डी ब्लॉक में सीवरेज का जो कार्य चल रहा है, सीवरेज की पाइपलाइन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत डाली जा रही है, तो वहाँ पर जो है पेयजल के लिए जो पाइपलाइनें डाली गई हैं वो पुरानी बहुत हो चुकी हैं और सीमेंट की बनी हुई है, जो जगह जगह से क्षतिग्रस्त है। तो बाद में चल करके, आगे चल करके जब सीवरेज की लाइन अगर सीमेंट की लाइन के पास से निकल के जा रही है और वहीं सेफ्टी टैंकों से उनको डायरेक्ट कनेक्ट किया जा रहा है, तो आगे चलकर ये चौक होने की प्रॉब्लम आ सकती है और सीमेंट की पाइपलाइन होने की वजह से पानी दोनों मिक्स होने की वजह से बहुत ही गंभीर बीमारी फैलने का वहाँ पर डर बना रहेगा। तो इस संबंध में हम आज वार्ड 29 के अपने कॉलोनियों के अध्यक्षों के साथ मिलकर के, कलेक्टर साहब से मिलकर के इनको ज्ञापन देने आए हैं ताकि हमारी इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके। मैं हेमलता खत्री, वार्ड पार्षद 29। एक तो हम यहाँ पे वार्ड 29 के सामने, बिल्कुल नेहरू नगर के गेट के सामने, जहाँ पास में गुरुद्वारा भी है और इधर साईं बाबा के मंदिर का रास्ता भी है, जहाँ आए दिन ही सभी श्रद्धालु वगैरह आते रहते हैं, वहाँ पे बिल्कुल यानी छपरे डाल के एक दारू की दुकान किसी ने डाल दी है और उसको भी पहले भी हम ज्ञापन दे चुके हैं आबकारी विभाग में, लेकिन उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि आप दारू की दुकान, भले आपको राजस्व की जरूरत है सरकार को, लेकिन आप किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काते हुए और उनको ठेस पहुँचाते हुए उसके बिल्कुल आप वहाँ नहीं खोल सकते दारू की दुकान, उसको कहीं अन्यत्र आप शिफ्ट करिए जहाँ से ये श्रद्धालु वगैरह जाते हैं वहाँ से थोड़ा दूर करा जाए। और दूसरी समस्या, मेन जो समस्या है हमारी, जो सीवरेज के अभी स्मार्ट सिटी के तहत ये जो लाइन डल रही है उसके लिए हम प्रशासन का और धन्यवाद करते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो वहाँ पे लाइन डाली है तो वो डी ब्लॉक और शिव दर्शन कॉलोनियों में पुरानी जब बसावट के समय पे सीमेंट की पाइपलाइनें डली हुई है उसके बिल्कुल पास से जा रही है। अभी उन्होंने खोदते वक्त भी उसको डैमेज कर दिया था और अभी लाइन ऐसे जहाँ जॉइंट है तो वहाँ पे सीवरेज का पानी उस लाइन के अंदर जा सकता है, जिसके कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है और बीमारियां भी फैल सकती है। और वहां पे वैसे भी पानी का प्रेशर बहुत डाउन है, तो हम वार्ड के जो कॉलोनियों के अध्यक्ष हैं उनके साथ में आए हुए हैं, डी ब्लॉक के अध्यक्ष कर्नल राजेश जी आए हुए हैं, शिव दर्शन के कॉलोनी के अध्यक्ष श्री गुल छतानी जी आए हुए हैं, तो वहाँ पर आप जो सीमेंट की लाइन डाल रखी है पानी की, उसको आप स्टील की पाइप लाइन डाल के इनको समस्या से निजात करें। क्योंकि अभी आपने स्मार्ट सिटी के तहत आप डाल तो रहे हो, लेकिन और इनके लिए कॉलोनी वालों के लिए समस्या बन रही है, वो इसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं।